डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। आपको पता होना चाहिए हम लोग साइंस में दृष्टि दोष के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक फिजिक्स का चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो एक्चुअली हम लोग नेत्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक्स को जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे वो था दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि दृष्टि दोष कुल मिलाकर टोटल 3 टाइप्स के हैं जो इम्पोर्टेंस हैं, यानी कि प्रमुख रूप से 3 तरह का दृष्टि दोष होता है। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा का नाम है जरा दृष्टि दोष। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक्स देते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि स्पेशल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। अब निकट दृष्टि दोष क्या है या फिर इसको किस नाम से जानते हैं वो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो जब सबसे फर्स्ट एरो लिखा जाए, सबसे फर्स्ट एरो, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टिता, ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं, निकट दृष्टिता भी कहते हैं। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टिता। यानी कि कोई बोलेगा कि निकट दृष्टिता किसको कहते हैं या निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, तो दोनों क्या है, सेम है। निकट दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टिता, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में क्या लिखें कि निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। चलिए सेकेंड एरो देकर लिखा जाए, ये बात याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तु को साफ देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। चलिए याद कीजिए, सॉरी सुनिए, कि निकट दृष्टि दोष और दूसरा है हम लोगों का दीर्घ दृष्टि दोष। और आपको लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष का मतलब कि निकट का साफ नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट की वस्तु जो है साफ साफ दिखती है, निकट की वस्तु बिल्कुल साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु यानी कि आँख से बहुत दूर पर रखा है वह साफ जो है नहीं दिख पाता है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, और अगर आप ये गलती करेंगे आपको भी 0 मार्क्स मिलेगा। कैसे लिखते हैं, सवाल आया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं कि वह दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। भैया वो आंध्र आदमी थोड़े ना यार, कि दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देना और साफ दिखाई नहीं देना दोनों में अंतर है। इसलिए आप बिल्कुल इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा, यानी कि आप अगर एग्जाम में लिखते हैं कि निकट की वस्तु दिखता है और दूर की वस्तु नहीं दिखता है, तो हम लोग उसको निकट नहीं कहेंगे, आपका डेफिनेशन गलती है। इसका डेफिनेशन होगा कि निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट यानी कि नज़दीक की वस्तु साफ दिखता है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखता है। ऐसा नहीं लिखेगा कि दिखता ही नहीं है, तो ये फिर आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अंधर है नहीं। हाँ,
फ्रेश नहीं दिख पा रहा है, दोनों में अंतर है, इसलिए हम इसको बोलेंगे निकट। यानी कि निकट की दृष्टि दोष वह दोष है जो किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है, वो नज़दीक की वस्तु को साफ देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देखता है। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम होती है, और ये 5 वर्ष से लेकर 15, 20, 25 वर्ष तक के बच्चों को होता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष जो होता है अक्सर बच्चों में होता है, बुजुर्गों में नहीं होता है। बच्चों का बात करें तो युवा तक के, यानी कि 25 साल तक के होता है। यानी कि बच्चों में जो अक्सर जो यूथ लोग यानी बच्चे लोग अगर चश्मा यूज करते हैं ना, तो याद रख लीजिए उनको निकट दृष्टि दोष है। यानी कि उनको निकट का तो दिख जाता है लेकिन दूर वाला में उनको धुंधला दिखाई देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप ज़रूर आँख का चेकअप करवाइए, ठीक है। यानी आँख में प्रॉब्लम्स है आपका, अगर निकट की वस्तु को साफ देख ले रहे हैं लेकिन दूर की वस्तु अक्सर प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर पीछे बेंच पे बैठते हैं तो उनको बोर्ड पे लिखा हुआ साफ साफ नहीं दिख पाता है, बशर्ते हम बोलेंगे कि उनको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, सुस्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? चलिए फिर से नेक्स्ट एरो पर, नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है, रेटिना के सामने बनता है। जी हाँ, अभी हम क्या समझे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। तो दूर की वस्तु साफ क्यों नहीं दिखाई देता है, वही अभी हम पॉइंट में लिखे हैं। अगर आपसे दोस्तों कोई पूछेगा कि मानव नेत्र जो किसी भी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप आंसर बताते हैं रेटिना पर। और रेटिना होता कहाँ है, तो नेत्र के पीछे। लेकिन दोस्तों दूर पर रखा कोई वस्तु है निकट दृष्टि दोष में साफ इसलिए नहीं देख पाता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, बजाय रेटिना से थोड़ा सा आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ है दूर की वस्तु साफ नहीं देखता है। क्यों नहीं साफ देखता है, क्योंकि जो प्रतिबिंब हम लोगों को रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर न बन के प्रतिबिंब रेटिना से थोड़ा सा आगे बनता है, थोड़ा सा सामने बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को कि आखिर निकट दृष्टि दोष युक्त वाला जो नेत्र है वो दूर रखी वस्तु को बिंब रेटिना पर न बनाकर, यानी रेटिना पर नहीं बनाता है, बजाय रेटिना के आगे बना देता है, ठीक है, रेटिना के सामने बनाता है। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि कोई भी हमारा नेत्र है तो कोई भी वस्तु को देखता है तो सभी वस्तु को देखता है तो प्रतिबिंब हमेशा मानव नेत्र के रेटिना पर बनता है, और रेटिना को ही दृष्टि पटल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे इस दोष कौन सा दोष, तो अभी हम लोग निकट दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिखा जाए इस दोष के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं, इस दोष के उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, यानी कि बोला जा रहा है कि आखिर निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाता है, आखिर क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष हम लोगों के नेत्र में हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो निम्नलिखित कारण लिखे, पहला
अभिनेत्र लेंस की, अभिनेत्र लेंस की, अभिनेत्र लेंस की, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाती है। दूसरा दूसरा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जी बिल्कुल याद रखिएगा आप। सबसे पहले हम लोग तो ये सीखें कि आखिर दूर रखी वस्तु को साफ नहीं देख पाता है निकट दृष्टि दोष जिसको होता है, क्यों? क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए लेकिन रेटिना से आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है तो नहीं देख पाते हैं। अच्छा, कोई अगर पूछेगा कि आखिर निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है या निकट दृष्टि दोष क्या है, ये कैसे हो पाता है, ठीक है, तो हम लोग इसको दो कारण दिए हुए हैं। कौन कौन से कारण हैं, चलिए समझते हैं। चलिए तो हम लोग पहला जो कारण था वो निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, तो पहला जो हम लोग जानते हैं ना कि मानव नेत्र में एक गॉड गिफ्टेड लेंस लगाया हुआ रहता है, उसका नाम है उत्तल लेंस, जिसको सिलियरी मांसपेशियां उसको टांगे हुए रहती है। तो ये जो लेंस लगा रहता है ना दोस्त, अगर इसका वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ जाता है या फिर नेत्र का लंबा हो जाना, यानी कि नेत्र अगर लंबा हो जाएगा और ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है, तब निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष होने का दो कारण बिल्कुल याद रखिएगा। सवाल अगर पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष होने के कारणों को लिखे, तो निकट दृष्टि दोष होने का दो गो कारण है। पहला ये कि जो नेत्र लेंस होता है, मानव के नेत्र में एक लेंस लगा रहता है, वह लेंस का वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, इसके वजह से भी निकट दृष्टि दोष होता है, या फिर नेत्र जो है नेत्र गोलक का मतलब ये नेत्र का जो गोलक है वो लंबा हो जाना, यानी कि नेत्र का जो साइज है वो बिल्कुल गोल है लेकिन वो ऐसे हो जाता है, ऐसे लंबा हो जाना, तो इसके वजह से नेत्र गोलक का लंबा हो जाना से के कारण भी हम लोगों को निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, दो ठो है, या तो नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। चलिए नेक्स्ट आरोप देते हैं, लिखते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपयुक्त क्षमता वाला अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। याद रखिएगा, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट आता है कि अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो आखिर ये ठीक कैसे होगा। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष जो होता है वो चश्मा लगाकर ही इसको ठीक किया जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष होगा उसको चश्मा लगा दिया जाता है तो वो दोष जो है दूर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष जो है ठीक करने का उपाय क्या है, कि अवतल लेंस लगाना चाहिए, अवतल लेंस, ठीक है, दर्पण नहीं लेंस, क्योंकि आर पार दिखाई देगा तब ना, चेहरा थोड़ा ना देखना है। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको अगर ठीक करना है तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस, और इसी अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको अवतल लेंस लगाना चाहिए या फिर
अपसारी लेंस लगाना चाहिए। तो अपसारी लेंस भी बोल सकते हैं, अवतल लेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अवतल लेंस ही ऑप्शन में दिया रहता है। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष को से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाकर ठीक किया जाता है, अवतल लेंस। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब अगले दिन और भी दृष्टि दोष बचा हुआ है जिसका नाम है दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष भी उसको बोलते हैं, और एक है जरा दृष्टि दोष। तो बाकी की जो दोष है उसके बारे में हम लोग अगले दिन डीपली नॉलेज लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।